नमस्कार कोनिचिवा यूट्यूब के परिवार, अभी हम जा रहे हैं काम पे, बाहर निकलने वाले हैं। देखो 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 मौसम कितना अच्छा है, देखो 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 रास्ता कितना अच्छा है। तो चलो नीचे जाते हैं। इस बार ये भाई ये सीढ़ी है ना, यहाँ से मैं एक बार यहाँ पे गिर गया था, इतना जोर का लगा ना भाई साहब। उसके बाद मैंने सोचा कि सीढ़ी में नहीं दौड़ूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मन कर रहा था। और ये हमारा फेवरेट कार, मैंने पहले भी दिखाया था, क्लियर स्काई, हमारी साइकिल वहाँ पे। यहाँ पे ओ शिट, मैं फिर से चाबी भूल गया। अरे हाँ, तो लेके आ गया मैं चाबी। और मेरे को याद आया, एक भाई मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे कि मतलब तू अटक अटक के क्यों बोलता है। मैं ज़्यादा अटक के बोलता हूँ, वो बात ट्रू है, लेकिन उसका थोड़ा सा रीज़न है। मतलब मेरा जब मैं है ना मम्मी के पेट में था ना, तब मतलब उस टाइम में मम्मी को सांप ने काट लिया था, क्योंकि वो एरिया में कोबरा है ना, कोबरा वो ज़्यादा रहता था। और उसके बाद क्या हो गया, और डॉक्टर बोले कि इसका तो मतलब ये तो नपुंसक जन्मेगा, एक ये नल्ला जन्मेगा, ये तो मतलब या तो इसका पैर नहीं काम करेगा या तो जवान नहीं। तो आगे बताता हूँ, यहाँ पे जेसीबी की खुदाई देख लो। और हाँ, मैं कह रहा था कि हाँ ऐसा कह दिया डॉक्टर ने, तो मतलब सब लोग शॉक्ड हो गए थे। मतलब एक बच्चा नल्ला निकलने वाला है। तो क्या हो गया, साउंड कर रहा है ये नोबिता वाला स्कोर। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी नानी बोली कि यार एक वो कोई नहीं, हम ठीक कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो उसके बाद क्या हुआ कि पैदा हो गया मैं। और उसके बाद एक साल तक मतलब बात ही नहीं की, मतलब अच्छे से बात नहीं करता था, और चलता भी नहीं था, मतलब ढंग से चलता नहीं था। और नानी ने क्या क्या करके, मतलब शायद मॉर्निंग में वो होता ना, वो मॉर्निंग में तो पार्क में लेके जाके वॉक कराने का, वो छोटे छोटे ग्रास के ऊपर वॉक कराने का, तो मेरे का सेंसेशन बढ़ेगा कि कर उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। और उससे काम भी हो गया, मतलब उससे इफेक्टिव रहा, और मैं चलने लगा और बोलने भी थोड़ी देर में क्या क्या करके, मेरे को ये सब याद तो नहीं है, लेकिन कैसे कैसे करके थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई, मैं बात करता था तोतला, मतलब तोतला यानी तोतला सेट वाला तोतला नहीं, क्या बोलूँ मैं, अभिषेक उपमन्यु पता है तुम्हें, कॉमेडियन, हाँ उतना तोतला, मतलब लिप्स जैसा आ गया था, लिप्स नाम की बीमारी हो गई थी। उससे क्या होता है कि शब्द, एक शब्द और दो शब्द बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से मेरे को मतलब बोलने में तकलीफ़ होती थी। तो मैं बेसिकली तोतला था। तो बात का स्टोरी उसके बाद बोलता हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्राउडेड हो गया। तो हमें कह रहा था कि मैं तोतला बोलने लगा, तो वो तो ना ठीक नहीं है। तो मेरे को बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा बोलता हूँ, तो मैंने कंट्रोल करना सीख लिया कैसे कैसे, मतलब होता है ना कंट्रोल करके जैसे भी हो अच्छे से बोलने लगा। तो उसके बाद क्या हो गया, मैं सोच के बोलने लगा, सोच के मतलब कंट्रोल करके, मतलब एकदम शब्द को एकदम अच्छे से प्रोनाउंस करूँगा, मतलब हड़बड़ी में नहीं बोलूँगा और अच्छे से बोलूँगा और शब्द का प्रोनाउंस एकदम करेक्ट करूँगा। तो उसके चक्कर में क्या हो गया, मैं पॉज ज़्यादा लेने लगा, अगर पॉज नहीं लिया तो लिप्स हो जाता था, ऐसा हो गया। इसलिए ये कहानी थी। तो इस कमेंट का मतलब मैंने रिप्लाई तो दे दिया था, लेकिन फुल उसका मतलब डिटेल्ड
एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि कमेंट में मतलब वहाँ पर स्टोरी ही बन जाती, इसलिए इससे अच्छा मैं वीडियो में बोल देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो में बोल दिया। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं मतलब काम के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तो अभी भी व्लॉग को साइड में रखकर मैं साइकिल चलाने में ध्यान देता हूँ। मिलते हैं वहाँ पे जाके। अब लाइटें भी कम होने लगी है, देखो लाइटें। चलो वहीं पे जाके मिलते हैं अब काम पे। सी यू देयर। वाह इतना स्पीड चलाया ना। फो थक गया मतलब काम शुरू करते इनसे पहले ही थक गया मैं। टाइम मतलब मैं 10 मिनट तो अर्ली हूँ। मेरा टाइम शुरू होने वाला है 18 मतलब 6 बजे से, लेकिन 10 मिनट पहले आना पड़ता है, रूल है वो जापान का, इसलिए मैं 10 मिनट के 3 मिनट पहले आया हूँ, इसलिए वो टाइम में ही आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात को। 10 मिनट पहले आना चाहिए, इसलिए 10 मिनट के 3 मिनट पहले पहुँच गया जल्दी मेरे साइकिल को चला कर। नहीं तो मतलब 10 मिनट में भी आ जाओ तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट भी आ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अच्छा इमेज रखना है खुद का, मतलब है ना, या दिस गाय इज कूल डूड, ये तो पूरा बात मतलब ये तो हमारी तरह, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, इनको जीतने के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको 10 मिनट पहले आना पड़ेगा। तो ये हो गई वो बात, और जो मैं बात कर रहा था वो आपको समझ आ गया, और कमेंट में वो भाई उनको उनके साथ बोल रहा हूँ मैं अभी, हाँ हो गया ना। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अटकता हूँ, लेकिन मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ कि वो ना हो। और इसका दूसरा रीज़न भी क्या है, वो पहला रीज़न तो वो हो गया, दूसरा रीज़न क्या है, मैं ज़्यादा लैंग्वेज सीख गया, मतलब है ना अर्ली एज में ही मैंने पहले हिंदी सीखा, उसके बाद नेपाली सीखा, हिंदी सीखा, और इंग्लिश हो गया, और जापनीज हो गया, और थोड़ा थोड़ा स्पेनिश। मेरा पीक सबसे ज़्यादा दिमाग इधर उधर कब होने लगा, जब मेरे को जापनीज सीखा ना, तब के बाद मेरे को लग हाँ क्या होता था कि मतलब मेरे को जापनीज में ये शब्द का मालूम है, मतलब ये क्या जापनीज में क्या कहते हैं इसको मालूम है, हिंदी में बोल जाता हूँ, और कभी कभी नेपाली में बोल रहा हूँ तो नेपाली का मतलब नेपाली में ये क्या बोलते हैं याद नहीं आता, लेकिन हिंदी में मेरे को पता है। तो इसकी वजह से मेरे को क्या होता है, कभी ये कभी वो कभी ए आगे समझ रहे हो ना तुम बात। तो कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर देना, भूल चूक माफ़ कर देना, और व्लॉग देखते रहिएगा। और अभी काम पे जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे काम जा रहा हूँ, यहाँ पे अभी स्कूल के गर्ल्स लोग वहाँ पे कैश आउट करने के लिए रेडी है, पता नहीं वो कैशियर यहाँ पे मस्त, और ये लोग यहाँ पे वेट कर। और थोड़ी देर में मैं अंदर जाता हूँ, और शायद अंदर में आज नहीं मिलेगा, और मैं कराऊंगा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो गया काम पे ब्लॉग। डेली ब्लॉग करता रहूँगा वहाँ पे, तो मेरे को काम से निकाल दे देंगे साले, तो ब्लॉग करना है तो घर पे जाके ब्लॉग। तो अभी जाता हूँ, सी यू इन द इवनिंग, मतलब इवनिंग में थोड़ा सा ब्लॉग करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। काम हो गया ख़त्म, ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे को ये मिला है, देखो ये ब्रेड्स जैम शैम क्या क्या है, या जाएंगे खाएंगे, मतलब ना पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद अगर खाना दिल से आ तो खाएंगे, नहीं तो कल सुबह खाएंगे। यही है आज का सफ़र, और हमारा व्यू बढ़ता ही जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, 20-30-40 में तो उससे ही खुश हूँ, और धीरे धीरे हम बड़े बिग फैमिली भी हो जाएंगे। तब तक के लिए इंतज़ार है मेरा, तब तक का इंतज़ार है मेरा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड राधे राधे।